मैं मैं ठीक आप कैसे मैं बहुत मजे में हूँ फर्स्ट टाइम मुझे ये स्टोरी सुनाई गई थी ये दो साल पहले सुनाई गई थी और तब मैंने कहा था नहीं मैं ये नहीं कर सकती ये मैं नहीं हूँ <laughs> तो उन्होंने कहा नहीं होगा ऐसा होगा ऐसा हो जाएगा बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कैरेक्टर अगर आप ओवरऑल इस कैरेक्टर को देखें जो कि महविश है वो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर जो मैंने आज तक प्ले नहीं किया और एज अ मदर एंड एज अ वाइफ मेरे लिए इस तरह का कैरेक्टर करना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एक पोर्ट्रेट करना एक ऐसी लड़की को जो मैं नहीं हूँ और इस पूरे प्ले में मुझे लगता है कि हर सीन में महविश और आयजा की जंग होती रहती है आपस में होता है कि नहीं ये नहीं ये नहीं तो आगे से जो नदीम बेग है वो तो और वो जो मुझसे सीन कराते हैं मैं एक्सपेक्टिंग में हंसती रहती हूँ नहीं, नहीं 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 ये एक्सप्रेशन नहीं देना चाहिए वो कहना यही तो देना है उससे यही तो करना है मैंने कहा अच्छा चलो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये वाला डिफ़िकल्ट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है ये वाला कैरेक्टर बिकॉज़ ये उस तरह सोचना एक कैरेक्टर को लेकर चलना कि एक लड़की है उसकी ज़िंदगी में उसकी ख्वाहिशें हैं उसका एक मियाँ है खूबसूरत सा बच्चा है सब कुछ उसकी लाइफ में बहुत अच्छा है उसके बाद आगे कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं जो कि आप uh, हो सकता है आपको लाइफ में मौके मिलते हैं आपको बहुत सारी अब uh, मैं स्टोरी तो नहीं बता सकती क्योंकि बहुत कुछ है उसके अंदर और मुझे पिटाई लगने वाली है बता दिया तो तो हुमायूं के साथ काम करना का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था um, मैंने उनके साथ पहले तो हमारी रिहर्सल हुई थी ताकि मैं पहले जरा कंफर्टेबल हो जाऊँ हम सीन्स कर सकें किस तरह बोलना है किस तरह बिकॉज अभी तक जितने कैरेक्टर्स मैंने खलील साहब की मैंने मेरा फोर्थ है ये प्ले उनका बट हर प्ले हर कैरेक्टर इतना डिफरेंट था उन तीन कैरेक्टर्स के बाद ये जो मैंने चौथा कैरेक्टर मैं आज महविश का कर रही हूँ वो मेरे लिए मुझे लगता है कि शायद ऐसा मैंने कभी किया ही नहीं शायद इस तरह मैंने कभी बोला नहीं अगर वो देख जैसे नदीम भाई थे वो देख रहे थे मेरा कहने कि तुम्हारा बड़े अलग सा आ रहा है क्यों मैंने कहा पता नहीं मैंने कहा नहीं कुछ कैरेक्टर तुम्हारा कुछ चीज़ है तुम्हारी एक्टिंग है वो मज़े बहुत अच्छी आ रही है मगर कुछ अलग सी आ रही है सो आई थिंक ये कैरेक्टर इस तरह का है जिसने मुझे उस तरह का बना दिया जो कि मैं आज तक नहीं नजर आई जो मैंने आज तक नहीं किया और फिर हमायूस सईद हो या आगे जो आ, कास्ट हमारी आगे भी फाइनलाइज हो रही है वो लोगों के साथ करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है क्योंकि उनकी आँखों में ही देखना मैं बट वो क्या लाइन्स बोलते हुए कहती हूँ क्या लाइन्स बोलते हैं अगर वो अपना मतलब एक्सप्रेस कर रहे हैं कोई फीलिंग्स चाहे वो हेट हो चाहे वो लव हो या कोई भी चीज़ हो आपको समझा रहे हैं तो आप एक मिनट को ना मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कैरेक्टर क्या, क्यों मैं समझती हूँ मैं सुनना चाहती हूँ लोग क्या कह रहे हैं सो so, आपके आपके अंदर उतर जाती है उनकी बात तो उनकी जो आइज़ के अंदर है ना एक हमायू वो तो मुझे मतलब सीन्स करने में मुझे बहुत मजा आता है आपने बताया कि हमायूं के कैरेक्टर का नाम दानिश है हाँ। दानिश हाँ। आपके हस्बैंड का भी नाम है तो बहुत एतराज था पहले मैंने कहा नहीं दानिश क्यों है उन्होंने कहा नहीं महवेश और दानिश है दोनों की खूबसूरत एक कहानी है मैंने कहा वो ठीक है लेकिन कभी कभी मैं दानिश को गुस्से से ही बोलती हूँ ना और मैं दानिश को एक तो मैं आप बोलती हूँ और इसमें बोलती तुम तो उठो दानिश उठो, उठो उठो चलो उठो चलो टाइम हो गया सो मेरे लिए पहले तो ये था वो कहेंगे कि तुम्हारे लेकिन कितने फ्लो में निकलते हैं दानिश, दानिश 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 लगता है रोज़ ही बोलती है मैंने कहा, हाँ अभी तो ओवरडोज चल रहा है मेरा दानिश का घर जाके भी यहाँ पर भी बट ये कैरेक्टर शुरू में मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि अच्छा दानिश कैरेक्टर है और उसके साथ जो जो करेगी तो ये और वो तो लोग ना रिलेट कर जाते ना कि अच्छा उसका मियाँ भी और ये भी प्ले में भी नाम है पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जब हम प्ले करने लगे तो मैं मैविश हूँ वो दानिश हैं और हमारी एक अजीब सी केमिस्ट्री है और बड़ी खूबसूरत है लाइक मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ हर सीन जो हम पढ़ रहे होते हैं हंस रहे होते हैं हम लोग वो सीन करते हैं तो वो सब लोग देख रहे होते हैं बैठ के यू करके मोनिटर में अगर कोई सीन है कि हम सामने आमने बैठे हैं और मैं उनसे मना रही हूँ उनको लाइक ये बहुत लाडली है अपने शोहर की बहुत लाडली हर बात सुनता है वो हर बात उसके कहने से पहले उसकी सुन लेता है सो वो चीज़ें करना अपनी बातें मनवाना वो इतने क्यूट सीन्स हैं उसके अंदर कि मुझे डेफिनेटली पता है लोगों ने बहुत इन्जॉय करना लोगों ने कहना है ये दोनों को कोई अलग ना करे बस हाउ इम्पोर्टेंट इज स्टाइलिंग और किसी भी एक कैरेक्टर की लुक डिवेलप करने में कितनी एफर्ट और कितना टाइम लगता है अच्छा एक तो मुझे शौक है कपड़े बनाने का तैयार होने का और जब मैं इस फील्ड में आई ना तो अम्मा को लगता था तुम तो बिल्कुल सही जगह आई हो तो फजूल ख़र्ची का शौक है हर चीज़ का शौक है कपड़े पहनूँ अच्छे कपड़े जूते अच्छे पहनूँ इसके इसकी मैचिंग की ये चीज़ भी हो फला चीज़ भी हो तो अब मेरे वो काम का हिस्सा बन गया शुरू में अम्मा भी रिटेड होती थी इतने कपड़े इतने मैंने कहा अम्मा पिछले सीरियल में पहन लिए मैं नहीं पहनूंगी वो बिकॉज वो मैं उस दूसरे कैरेक्टर में थी अगर मैं उस कैरेक्टर में भी यही पहन के खड़ी जाऊँगी तो वो फिर वो बात नहीं आएगी मुझे लगता है स्टाइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपके पूरे कैरेक्टर के ऊपर अगर ये लड़की इस तरह के बाल बनाती है गरीब घर गर की लड़की है तो आप सोच सकते होते हो अच्छा सुबह उठती होगी तो ये ब्लो ड्राई नहीं करती होगी खाना पकाना है उसको किचन में तो फिर उसको आप उसी तरह लेके छोटी छोटी चीज़ें मेरा जैसे होता है मैं पूरा मेरा पूरा स्क्रिप्ट जो होता है उसमें इतने सारे जो है स्टिकर्स और तो पता नहीं क्या क्या, क्या कलरफुल लगे हुए होते हैं सारी चीज़ हर चीज़ मैंने मार्क की हुई होती है कौन से सीन के अंदर मैंने क्या पहनना है बाल कैसे होने हैं मेकअप क्या होना है कहाँ मैंने क्या चीज़ नहीं करनी क्या चीज़ ये पहननी है और स्टाइलिंग की छोटी से छोटी चीज़ें भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कैरेक्टर के अंदर कि अब इसमें भी मेरे दो तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं एक थोड़ी सी मॉडर्न सी है ज़रा सा वो अपने आप को तो ख्याल रखने लगी कुछ है जो समझती है कि वो बहुत मतलब तैयार ही रहती है और अपनी तरफ से बहुत स्टाइलिश है मगर एक्चुअली वो नहीं है सो so, ये दो चार चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है अगर मैं पिछले कैरेक्टर में डॉक्टर थी तो वो मेरे लिए डिफ़िकल्ट था उस चीज़ को करना कि कोई भी चीज़ उसकी बहुत स्टाइलिश ना हो जाए बिकॉज डॉक्टर्स नहीं पहनती लड़कियाँ पहनती भी हैं वैसे बट आपने ख्याल रखना पड़ता है और मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है सारी चीज़ें करने में मैं, मैं सबको कहती हूँ कि नहीं ये चीज़ें ख्याल रखो बिकॉज स्क्रीन पर आपने आना है और लोग हमें फॉलो कर रहे हैं सो so, जितनी भी आउटफिट्स हैं आपके जो ड्रामे में लोग देखेंगे या ज्वेलरी है जो एक्सेसरीज़ हैं वो सब आपकी अपनी है वो मेरी अपनी होती है और अगर जैसे बहुत ब्राइडल सीन्स होते हैं या फॉर्मल सीन्स होते हैं फिर वो मेरे डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं उनसे मैं हायर करती हूँ और मैं पहनती हूँ मेरे को वापस कर देती हूँ <laughs> वो मैं रखती रही हूँ क्योंकि मैं मुझे उसके बाद पहनने ही नहीं होते सो ऐसा नहीं होता हम बहुत सारी चीज़ें ख़रीदते भी हैं बनवाते हैं जैसे मैं कस्टमाइज़ करवाती हूँ डिफरेंट डिज़ाइनर्स हैं उनसे मैं कहती हूँ कि यार तुम लोग के विश्वास बहुत अच्छे होते हैं तुम लोगों का फलं कट बहुत अच्छा है तो वो फिर मैं अपनी चीज़ें अपने हिसाब से अब बहुत सारे कलर्स होते हैं कि नहीं मुझे पेस्टल कलर्स में चाहिए नहीं मुझे लाइट शेड्स में चाहिए तो अपने ये कट्स ऐसे बना दो यहाँ पे ये मत बनाना यहाँ पे सो so वो मेरी एक मीटिंग होती है हर डिज़ाइनर जिससे भी मुझे ये नहीं कि मैं कुछ भी उठा के ला के पहन लिया ऐसा कुछ नहीं होता हमेशा मेरा वो जो मैं पहनी होंगी आपको कोई और पहना हुआ नहीं नजर आएगा जबकि वो वही जोड़ा होगा मगर उसकी स्टाइलिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है अच्छा फाइनली वेन विल वी गेट टू सी यू ऑन द बिग स्क्रीन और विल वी एट ऑल Um, नहीं आई थिंक आई डोंट नो एक्चुअली मुझे बड़ी स्क्रीन से बड़ा डर लगता है बिकॉज uh, उसके अंदर मुझे लगता है इसमें तो हमारी माफ़ी होती है उसके अंदर जब कोई पैसे देकर आपको देखने आता है ना तो फिर आपकी हर चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए मैं अगर कोई फिल्म देखने जाती हूँ डायरेक्शन आपकी आपके कपड़ों से लेके आपकी एक्टिंग से लेके आपके सामने कोई सामने एक्टर है उससे लेके हर चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है अभी हम लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए सब चीज़ों को परफेक्ट करने में और इसी बजट हमारा बहुत सारी और चीज़ें हैं सबसे पहले आई थिंक अगर कोई मुझे इतनी अच्छी स्क्रिप्ट आएगी जिससे मुझे लगेगा और मुझे बहुत शौक है एक लव स्टोरी करने का कोई ऐसी कहानी हो जो कि बहुत खूबसूरत दो लोगों की कहानी हो मगर वो लोग जुड़ जाएँ वमझें कि ये हम हैं या तो बाहर निकले तो रोते हुए आएँ या खुश होते हुए आएँ कि वो मिल गए सो वो वो मुझे इस तरह की कहानी करनी है और जब तक वो इस तरह की नहीं बनेगी शायद मैं फिल्म नहीं करूँगी